क्लास में हम केचुए की संरचना पढ़े थे। केचुए की संरचना में अपन ने बाह्य संरचना का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद थी आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना के अंदर श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, केचुए के अंदर जो पाचन की क्रिया है वो होती है आहार नाल के अंदर। आहार नाल एक लंबी सीधी नलिका होती है जो मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है। प्रथम खंड से केचुए के अंतिम खंड तक पाई जाती है और एक नलिका का संरचना होती है। ठीक है, आहार नाल के अंदर विभिन्न अंग भाग लेते हैं, उन अंगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नंबर एक आता है मुख। ठीक है, मुख है ये पहले खंड के ऊपर उपस्थित होता है जो भोजन के अंतर ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, नंबर दो है मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा पाई जाती है दूसरे और तीसरे खंड के ऊपर उपस्थित होती है मुख गुहा। जब केचुआ भोजन को ग्रहण करता है तो मुख गुहा आगे और पीछे की ओर खिसक कर भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, नंबर तीन है ग्रसनी। ग्रसनी है ये पाई जाती है चौथे खंड के ऊपर। इस ग्रसनी की जो कोशिका, ग्रसनी के अंदर की जो कोशिकाएं होती है, इसकी भित्ति की जो कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा श्लेष्म व प्रोटीएस एंजाइम का स्राव किया जाता है। प्रोटीएस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। ठीक है, नंबर चार आता है ग्रसिका। ग्रसिका पाई स्थित होती है पांचवे से आठवें खंड के ऊपर। ग्रसिका के अंदर किसी भी प्रकार के पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, नंबर पांच है पेशनी। ग्रसिका के आगे यानी आठवें खंड से, ये भी आठवें खंड पर ये कौन सी होती है ग्रसिका, और इससे इसी के आठवें खंड से स्टार्ट हो जाती है पेशनी। ये उपस्थित होती है आठवें और नौवें खंड के ऊपर उपस्थित होती है। पेशनी के अंदर पेशीय तंतु से निर्मित गांठ समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ये गांठ समान जो संरचनाएं हैं भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। ठीक है, उसके आगे नंबर छह आता है अमाशय। अमाशय स्टार्ट होता है नौवे खंड से और चौदहवें खंड तक ये फैला होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति की सतह पर कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये कैल्सीफेरस ग्रंथियां भूमि के अंदर उपस्थित ह्यूमिक अम्ल को उदासीन बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, नंबर छह आता है आंत्र। आंत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जो पंद्रहवें खंड से स्टार्ट होता है और अंतिम खंड तक जाता है। इन सबसे लंबा जो केचुए के आहार नाल में जो भाग सबसे लंबा अंग होता है वो होती है आंत्र। पंद्रहवें खंड से स्टार्ट होकर के अंतिम खंड तक ये समाप्त होती है और गुदा के रूप में ये एंड होती है। ठीक है, आंत्र है इसको भी तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला भाग है पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र। तो पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र है ये पंद्रहवें खंड से छब्बीसवें खंड तक होता है। इस खंड के अंदर जो पूर्व टिफ्लोसोलर जो क्षेत्र है इसकी आंतरिक भित्ति पर छोटे छोटे उंगली के समान पर्वत पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं रसांकुर। ये रसांकुर भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ाते हैं। भोजन के अवशोषण के लिए जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि करते हैं, जिससे भोजन के अवशोषण की दर है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र के 26वें खंड पर ये वाले जो खंड होते हैं ये वाला, इस खंड के ऊपर दो शंकु के समान पर्वत या उभार नुमा संरचना पाई जाती है, उनको कहा जाता है आंत्र सिका। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो है नंबर दो, आंत्र का दूसरा भाग टिप्लो सोलर क्षेत्र।
टिफ्लो सोलर जो क्षेत्र है ये 27वें खंड से प्रारंभ होता है और केचुए के अंतिम छोर के और 23 अंतिम 23 या 23 से 25 खंड को छोड़ दिया जाए, इन लास्ट के जो 23 से 25 जो खंड होते हैं उनको छोड़ करके 27वें खंड से प्रारंभ और लास्ट के 23 से 25 खंड तक है वो पाया जाता है टिफ्लो सोलर क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर जो रसांकुर है वो बड़े आकार के होते हैं, साथ ही इस क्षेत्र में टिक्नोसोल पाया जाता है। ये रसांकुर और टिक्नोसोल दोनों भोजन के अवशोषण की दर को वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जो आंत्र का तीसरा भाग है वो नंबर 3 पश्च टिक्नोसोलर क्षेत्र। पश्च टिक्नोसोलर जो क्षेत्र है ये अंतिम 23 से 25 खंडों के अंदर स्थित होता है। ये जो लास्ट वाला जो भाग पश्च टिक्नोसोलर जो क्षेत्र है इसको मलाशय भी कहा जाता है, ठीक है। मलाशय है इसके जो मलाशय के अंतिम खंड के अंदर पाया जाता है गुदा जो शरीर से बाहर खुलता है, ठीक है। और सबसे लास्ट तक जो आहारनाल का भाग है नंबर 8 वो है गुदा। केचुए के अंतिम खंड पर एक छिद्रनुमा या द्रारनुमा संरचना पाई जाती है और ये छिद्रनुमा या द्रारनुमा जो संरचना होती है वो कहलाती है गुदा, ठीक है। गुदा की सहायता से केचुए अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। ये तो थी आहारनाल की संरचना। उसके बाद आते हैं केचुए के अंदर पाचन क्रिया, ठीक है। पाचन क्रिया के अंदर इन सबसे पहले जो केचुआ है वो मुख की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही मुख से भोजन ग्रहण करता है अब भोजन आता है मुख से मुख गुहा के अंदर, ठीक है। मुख गुहा से भोजन को भेजा जाता है ग्रसनी के अंदर। सबसे पहले मुख में, मुख से मुख गुहा के अंदर, फिर भोजन आता है ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के अंदर जो ग्रसनी की जो ग्रंथियां होती है कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा श्लेष्म व प्रोटीएस एंजाइम का स्राव किया जाता है। श्लेष्म है ये भोजन को नम व लसलसा बनाने का कार्य करता है, जबकि प्रोटीएस एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करती है। उसके पश्चात भोजन ग्रसनी से आता है ग्रसिका में। ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये सीधे ग्रसिका ग्रसनी से भोजन को पेशनी के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। पेशनी के अंदर उपस्थित ये जो पेशीय तंतु होते हैं इनके द्वारा भोजन को महीन कणों के अंदर पीसा जाता है जिससे भोजन बारीक हो जाता है। पेशनी से भोजन पूछता है, उसके बाद अमाशय में, अमाशय के अंदर जो अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसमें पाई जाती है कैल्सिफेरस ग्रंथियां। ये कैल्सिफेरस ग्रंथियां हैं, इनसे स्रावित जो पदार्थ है वो भोजन में उपस्थित ह्यूमिक अम्ल, जो केचुआ है वो भोजन के साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ उसमें मिट्टी को भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये जो कैल्सिफेरस जो ग्रंथियां हैं ये इस भूमि में उपस्थित ह्यूमिक अम्ल है उसको उदासीन करने का जो कार्य है वो कैल्सिफेरस ग्रंथि द्वारा श्रावित पदार्थ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद भोजन अमाशय से पूछता है आंत्र के अंदर। आंत्र के अंदर भोजन के पाचन व अवशोषण दोनों क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ही भोजन आंत्र के अंदर पहुंचता है तो आंत्र के अंदर ऊपर जो आंत्र की जो आंतरिक सतह की जो भित्तियां होती हैं उनके द्वारा ट्रिप्सिन पेप्सिन व लाइपेज, ट्रिप्सिन पेप्सिन व लाइपेज एंजाइम का स्राव किया जाता है, ठीक है। ट्रिप्सिन पेप्सिन व लाइपेज एंजाइम है ये स्टार्च वसा तथा प्रोटीन का पाचन कर देती है, ठीक है। उसके पश्चात जो आंत्र के
आंतरिक सतह पर उपस्थित जो रसांकुर होते हैं तथा टिक्लोसोल इनके द्वारा भोजन का अवशोषण, पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। तो शेष बचा जो अपचित भोजन होता है उस अपचित भोजन को लास्ट में पश्च टिक्लोसोलर क्षेत्र के अंदर पहुंचा दिया जाता है तथा गुदा के माध्यम से इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। केचुआ है ये अपने अपशिष्ट पदार्थ को छोटे छोटे गोलियों के अंदर एक छोटे छोटे गोलियों के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करता है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है और वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम खाद होती है। ठीक है, ये तो था केचुए का पाचन तंत्र व पाचन क्रिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।